नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है वक्त, और दूसरा आप केस एक हेलीकॉप्टर का, दोनों में उनको बरी कर दिया गया। इसलिए कोई करप्शन का केस किसी अदालत की फाइंडिंग मियां नवाज या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं है। बुखारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन इल्जामात में, किस हद तक आपको सदाकत नजर आती है कि ये इल्जामात ही हैं? क्योंकि सफर अली शाह साहब ने कहा कि इसमें कोई फाइंडिंग्स जो हैं वो नहीं हो सकी हैं। मेरे ख्याल से शमशान बुखारी साहब के साथ हमारा रابطہ भी मुनक़ते हो गया था। जफर अली शाह साहब, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा है कि वो जो है डीरेल हो रही है या हुकूमत जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए जी, हुकूमत हमारे बावजूद इसके कि हम ये कहते हैं कि हम हुकूमत को कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रहे, हुकूमत को गुड गवर्नेंस करनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत बाज़ तो हुकूमत अपने कारनामों की वजह से भी बाज़ गिर जाती है और अनपॉपुलर हो जाती है, उसको वो अपोजिशन को गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हुकूमत कोई अपनी और मौजूदा हुकूमत भी अपनी कारनामों की वजह से अगर गिर जाए या वो अनपॉपुलर हो जाए या लोग उसके खिलाफ हो जाए, तो इसमें इसमें खिलाफ का कसूर तो कोई नहीं है। बाकी लोगों को राइट पहुंचता है अपना जो चूंकि हुकूमत कर रहे होते हैं इस पे लोगों के टैक्स पर, तो वो लोगों को राइट होता है उन पर तनकीद करने का भी और उनसे पूछने का भी कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं और ये हुकूमत के खजाने के ऊपर क्यों आप बोझ बने हुए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, राइट है, पॉलिटिकल राइट है उनका। सबसे आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या है, कि क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान को इस वक्त फायदा हो और हम जो है जो ये जो बहरान जो हर महीने एक नया इशू खड़ा हो जाता है उससे निकल के हम लोग जो है वो मुल्क की तरक्की की तरफ काम करें और टेररिज्म को टेकअप करें, क्या इस वक्त बेहतर है हमारे लिए? इसमें देखिए जी, आपने मतलब मुल्क के लिए भी और साथ टेररिज्म दोनों दो बातें की और बड़ी अच्छी बातें की है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम तो वो, क्योंकि इस वक्त पोलिटिकल पार्टी की हुकूमतें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने जो वादे किए थे कौम से, मुल्क से मोहतरमा के वक्त और उसके बाद भी, तो उनको तमाम वो इकदाम, तमाम वो कानून, तमाम वो तरामीम जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जो कि मार्शल लॉ की और मार्शल लॉ के डिक्टेटर की पैदावार हैं, उनको फिल फॉर खत्म करना चाहिए। मेरा इशारा 17वीं तरमीम की तरफ है कि 17वीं तरमीम जो है वो अब 2 साल हो गए हुकूमत का आए हुए, अगर वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में भी थी और आज भी मौजूद है तो बात क्या बनी, क्या फर्क है? यही लोग जो है जब देखते हैं तो कोई फर्क नहीं है भाई शरफ के दौरे हुकूमत में और अब पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो वो तनकीद करते हैं। इसलिए उनको अपने अंदर गुड गवर्नेंस करने के लिए उनको चाहिए कि वो फिल फॉल 17वीं तरमीम को खत्म करें, 58(2)(b) को खत्म करें और पार्लियामेंट्री निजाम को सही लेटर एंड जो स्पिरिट है उसकी उसके मुताबिक, आइन की स्पिरिट के मुताबिक उसको लागू करें। तमाम इख्तियारात जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होने चाहिए, क्योंकि हमारा निजाम पार्लियामेंट्री निजाम है। अगर निजाम पार्लियामानी हो, इख्तियारात सदारती महल में हो, तो ये काम नहीं चल सकता इस तरीके से बड़ी कमातें फैलती हैं। और तीसरी बात जो है टेररिज्म का, जो पिछले 9-10 साल से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसका शिकार भी हम हैं। ये लंबा सब्जेक्ट है, इस पर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट बात यही है कि हुकूमत वक्त को अपनी फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी जो है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला जो है वो किसी तरफ को हल होने की शक्ल में आएगी, वरना ये फैलता चला जाएगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को। शमशान बुखारी साहब, आपके ख्याल में क्या सबसे बेहतर है इस वक्त हम लोगों को, अपोजिशन को क्या करना चाहिए, किस किस्म की सपोर्ट आप लोग चाहते हैं अपोजिशन से कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो और जो हर महीने हर रोज एक नया इशू खड़ा होता है वो खत्म हो? मैं इसमें सिर्फ जो है एक लफ्ज कहूंगा कि तामीरी तनकीद को हम हमेशा वेलकम करते हैं और अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हमें जमहूरियत की बका और आवाम की खदमत के लिए काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ अपने अपने मैंडेट में सब वो काम कर रहे हैं। जफर अली शाह साहब, मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफ टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला और आके हमसे गुफ्तगू की। साथ साथ मैं शमशान अली बुखारी साहब और जनाब अनवर बेग साहब का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि वो उन्होंने आके हमसे गुफ्तगू की। सामने करम, इस बात में हकीकत है कि हमारे मुल्क में सियासी इंतकाम की सियासत रही है, लेकिन अगर मुल्क की सुप्रीम लीडरशिप के ऊपर लगे इल्जामात इस हद तक संगीन है तो क्यों नहीं हम अपने इखलाकी कद को इतना बढ़ा देते और खुद अदालतों से जाके कहते कि मेरे ऊपर ये लगे इल्जामात गलत हैं और आप इन केसेस को रिव्यू करें ताकि मैं इन इल्जामात से बाइज्जत तौर पर बरी हूँ। क्यों हम अपनी अदालत खुद लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सामने करम, अगले आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या नहीं, ये तो आने वाले चंद महीने ही बताएंगे, लेकिन हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि एहतसाब बिला इम्तियाज हर इंसान का होना चाहिए।
صرف یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور وہ خواب جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیا اچھا لگا کیا برا، اگر کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا پتہ ہے faisal@pakistanfirst.com۔ میں اپنا پتہ رپیٹ کیے دیتا ہوں، faisal@pak1stan.com۔ ریمبر دیر از ون انسٹیڈ آف آئی ان پاکستان۔ اپنے ہوسٹ فیصل عوان کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Keeping an eye on Pakistan's problems and aggressively looking for their solutions. Hawkeye with Faisal Awan. Intizam se aage jahan aur bhi hain.